वॉक हार्ट हॉस्पिटल, ये जो हॉस्पिटल दोस्तों अभी आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी हॉस्पिटल को लेकर ये जानकारी मिली कि इस हॉस्पिटल के अंदर बॉम्ब है, ये जानकारी मिली। और अभी फ़िलहाल ये जो चौकसी है इसको लेकर ये जारी है, टीम यहाँ पर आई हुई है, जो बम शोधक टीम है पुलिस की, वो आई हुई है और लगातार इस पूरे इलाके में अभी इस वक्त सन्नाटा जो है पसरा हुआ है। यही रीज़न है इसका कि यहाँ फ़िलहाल जो है इतनी हैपनिंग नज़र नहीं आ रही है। इससे पहले MB लाइव ने लाइव के ज़रिए ये सारी चीज़ें क्लियर की। अभी इस वक्त की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से जानकारी लेने की कोशिश की गई है, पुलिस ने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए आप। हाँ, तो घटना थी एक्चुअली सकाळी 10 वाजता एक मेल आला होता धोकड हॉस्पिटल आणि मुंबईच्या काही हॉस्पिटलचा उल्लेख होता की तिथे बॉम्ब ठेवल्याचा, तर आपण ताबडतोब तिथल्या अथॉरिटीशी बोलून आपण तिथं कॉर्डन केलेलं आहे आणि BDSची जी टीम आहे ती दुपारपासून तिथं संपूर्ण तपासणी, हॉस्पिटलची अजून सुद्धा तपासणी सुरू आहे। आतापर्यंत तसा काही संशयित आढळून आलेला नाही, त्याचा आम्ही सायबर सेल मार्फत त्याचा तपास सुरू आहे त्याचा। जी, तो पुलिस ने देखिए साफ तौर पर जो कहा वो आपने सुना होगा। अगर इस पूरे मामले की बात करें दोस्तों, जैसा हमने पहले भी बताया लाइव सेशन में, फिर से दोहराना चाहूँगी इस मामले को कि जानकारी आई कि मेल पर ये जानकारी आई कि बम है अंदर, और ये मेल के ज़रिए कहीं ना कहीं धमकाने का मामला था। हालांकि जैसा हमने कहा था कि इसको लेकर कई तरीके की बातें कही जा रही थी कि अफवाह भी हो सकती है, जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की जा सकती है, आज का दिन चुना जा सकता है इसके लिए क्योंकि आज ईद है, ऐसा हो सकता है। अभी फ़िलहाल जानकारी जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रही है दोस्तों। जैसे ही पूरी जानकारी जो है इसके सामने आती है, हम वो जानकारी लेकर देखिए फिर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन फिर से ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके की जो खबरें हैं, इन खबरों पर रिएक्ट करने से पहले, अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पैनिक मत होइए, किसी तरीके की अफरा तफरी का माहौल जो है उसको क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के आसपास गलत जो स्थिति है वो पैदा कर सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हमारी नज़र बनी हुई है और आगे की अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन ओमकार सावंत के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।